उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही धामी ने उत्तराखंड निवास के नक्शे का अवलोकन करते हुए भवन के सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कार्यदायी संस्था के नए बन रहे उत्तराखंड निवास में कार्य की सुगमता के दृष्टिकोण से उत्तराखंड स्थानिक आयुक्त कार्यालय और उत्तराखंड राज्य सूचना केंद्र को उक्त भवन में स्थापित किए जाने के संबंध में विचार किया जाए। आपको बता दें कि गोपीनाथ बारदुलाई मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली में जून 2020 से उत्तराखंड निवास का काम शुरू किया गया। भवन में 3 बेसमेंट होंगे, वहीं भवन में भूतल को सम्मिलित करते हुए कुल 7 तल बनाए जाएंगे। भवन उत्तराखंड वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा। ग्रीन भवन की तर्ज पर बनाए जा रहे इस भवन का अपना सीवेज शोधन यंत्र होगा। साथ ही भवन में 50 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निवास का निर्माण कार्य 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट।